सिंगापुर की संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग ने एक ऐसा बयान दिया जिससे भारत गुस्से में है। वैसे आपको बता दें कि आजकल ये फैशन में है कि थोड़ी बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए भारत के खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है, चाहे वो सही हो या नहीं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी ठीक यही किया। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने संसद में जबरदस्ती भारत और इजराइल को घसीट लिया। सिंगापुर के पीएम ने भारत और इजराइल के पहले प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले ये देश अच्छे थे लेकिन अब वैसे नहीं हैं। अपने भाषण के दौरान सिंगापुर के पीएम ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की। नेहरू की तारीफ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारत सरकार में मौजूदा सांसदों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। ली सियन लुंग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज नेहरू का भारत ऐसा भारत बन गया है जहां लोकसभा के करीब आधे सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में ये खुद माना कि ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं तो उनका जिक्र करके सिंगापुर के पीएम क्या हासिल करना चाहते थे, और क्या मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर किसी भी देश पर इस तरह की टिप्पणी करना सही है, वो भी तब जब इंटरनेशनल मीडिया का एक हिस्सा भारत की छवि खराब करने के लिए काम कर रहा है। बहरहाल सिंगापुर के प्रधानमंत्री के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर के पीएम के बयान को लेकर वहां के उच्चायुक्त को तलब किया गया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के उच्चायुक्त से कहा कि पीएम ली सियन लुंग की टिप्पणी अनावश्यक थी। भारत ने हाल ही में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 53 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। इनमें से एक ऐप का नाम था फ्री फायर। हालांकि ये ऐप चाइनीज नहीं था बल्कि ये एक सिंगापुर की कंपनी सी लिमिटेड का था। इस ऐप के बैन होने की वजह से इस कंपनी को $16 बिलियन का नुकसान हुआ। अब कई लोगों का मानना है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री इसी खीज को मिटाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वैसे हाल ही में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। आइए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनवाते हैं। उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लेवल लीडर की शांतिप्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा, सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है, और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया, और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी, ये हाल पैदा किए थे। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।